इसलिए हमेशा याद रखिएगा, जितना भगवान ने आपको दिया है, ये मत सोचना कि वो लोग हैं उनको तो कुछ स्पेशल दे रखा है, वो तो बहुत बड़े लोग हैं, उनके पास में सुविधाएं ज़्यादा हैं और वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। सुविधाओं से आदमी आगे नहीं बढ़ता है। कई बार हम हमारे घर के गमलों में लगाए पौधों का ध्यान रखते हैं फिर भी मुरझा जाते हैं, और पहाड़ों में खड़े पेड़ सालों सालों तक खड़े रहते हैं, फल देते रहते हैं, मेहनत का परिणाम है। इसलिए जितनी समस्याएं आए, जितनी परेशानियां आए, उसमें डट करके खड़े रहिएगा। और जिस दिन आदमी दृढ़ निश्चय कर लेता है, आत्मविश्वास अपना जगा लेता है, उस दिन सज्जनों दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है। ये परिणाम है व्यक्ति के मेहनत का। एक नौजवान लड़का, उसके मन में ये था कि मैं भी बोलूं। वो जब जब भी रेडियो सुनता था तो उसकी इच्छा होती थी कि मैं भी रेडियो पर बोलूं और लोग मेरे को सुने। तो अपना वो प्रेजेंटेशन देने के लिए गया, ऑडिशन देने के लिए गया, और वहाँ पे रेडियो के अंदर जब उसको वहाँ क्लास लेने लगे तो काफ़ी बोल के दिखा तू, देखा जाएगा। और जब वो बोलने लगा तो एकदम से बोलते उसको कह दिया, बस 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 ठीक ठीक है, सुन लिया, चुप हो जाओ, मैं आम तुमको फेल करते, तुम पास नहीं हो सकते। उसने कहा, क्यों, क्या हो गया? बोले, तेरी आवाज़ कम कम पाती है, तेरी आवाज़ में दम नहीं है, तेरी आवाज़ में वो बात नहीं है कि तेरे को लोग सुन सकें, इसलिए तेरी आवाज़ में कोई जोश नहीं है, तुम निकल जाओ। अरे भैया, और कोई एग्ज़ाम होता है, लिखित एग्ज़ाम होता है तो उसका रिजल्ट 2 महीने बाद में आता है, लेकिन ये तो वॉइस का मामला है, यहाँ तो हाथों हाथ रिजल्ट आता है। अभी से पता चल गया कि तेरी बोली में कोई दम नहीं, तो निकल। वो लड़का निकल गया, लेकिन उसके बाद मेहनत किया और इतनी गजब की मेहनत करी, इतना गजब का बेस उसके गले में आया कि आज सारा देश, तो क्या सारी दुनिया उसकी आवाज सुनने के लिए तरसती है, और जब भी उसकी फिल्म आती है लोग देखते रह जाते हैं। उसका नाम अमिताभ बच्चन होता है। मैं आपको यह बताना चाहता था, जिस दिन आप लगन से किसी काम में लग जाते हैं, जिस दिन आप अपना 100% दे देते हैं अपने उस काम को और लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि वो आपको आगे बढ़ने से रोक सके।